कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं मानव प्रजाति में धोखे से जन्म लेने वाले माधवचूत प्राणी के बारे में, जिनके बारे में तुम जानना तो नहीं चाहोगे, लेकिन क्या जानना था तो चले जा भोसड़ी के। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, उनकी पिक्चर इतनी कमाल की है कि तुम ट्रेलर देख के डर जाओगे। उनकी एक्टिंग इतनी खतरनाक है, तुम एक बार देख लो तो दूसरी बार शीशा नहीं देखोगे। उनकी बड़ी बड़ी फिल्मों में से एक है देशद्रोही, जिसका एक्टर कमलनाथ खान, डायरेक्टर कमलनाथ खान, प्रोड्यूसर कमलनाथ खान, कैमरामैन कमलनाथ खान, सारे काम खुद कर लेता है यार के, बाकी के लोग उसका मुंह देखते हैं। फिर मीडिया वाले इनसे पूछते हैं, सर कैसे कर लेते हैं आप, बताइए ना, हम करने जाते हैं हमसे होता ही नहीं है, कैसे कर लेते हैं आप, कहाँ से लाते हैं शेर जैसी ताकत, सलमान खान जैसी जवानी, 85 की उम्र में आपकी छाती नहीं फूल जाती, आपकी किडनियों में बवासीर नहीं हो जाता, आपके फेफड़ों में एड्स नहीं हो जाते, आपका पिछवाड़ा ट्रैक्टर जैसा नहीं फूल जाता। जिस दिन इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, दुनिया को उसी दिन पता चल गया था कि ये फिल्म एक वाहियात किस्म की फिल्म होगी। और आज की तारीख में VFX वाले दद्दू सलमान को देखने की किसी की भी ख्वाहिश बिल्कुल नहीं है। अबे ताऊ की उम्र के बुढ़े आधे पर जमीन पे आधे पर शमशान में फिर भी फट नहीं रही है, और मौसमी लंड इतने वीडियो बना लिए लेकिन अभी तक इमोशन देना नहीं आया। इसके वीडियो में एक्टिंग कम रणवीर ने देखने को ज्यादा मिलता है, पर सब में कमियां ही नजर आती हैं। कभी खुद की भी गांड पलट के देख लिया कर, कल को ताजमहल पे वीडियो बनाएगा तो बोलेगा मजदूरों ने ईंटें बराबर नहीं बैठाई। अबे सिविल इंजीनियर के चौधरी ताजमहल ईंटों से नहीं संगमरमर के पत्थर से बना था। और ये जो शारिक है, इसकी शक्ल देखो, शक्ल पे ही लानत है। ये आदमी जिस काम में हाथ डालेगा उस काम का बिगड़ना तय है। ये आदमी जिस कंपनी में खड़ा हो जाएगा उस कंपनी का बंद और तबाह होना डेफिनेट पक्का है। तो ऐसे राजेश इसकी शादी में से घोड़ी लेके भाग गया था और शादी रोकनी पड़ गई थी, लेकिन बुढ़ापे में ऐसे शादी कर कौन रहा था। लेकिन एक सेकेंड बेटा, मन में लड्डू फूटा, नया कैडबरी डेयरी मिल्क शॉट्स चॉकलेट और दूध के लड्डू। असलियत में गोबर फेंक के कौन चला गया, पूरा कपड़ा खराब कर दिया, साथ में मन भी। इसकी वीडियो देखने के बाद मुझे पोपटलाल की जिंदगी ज्यादा अच्छी लगती है। वो कम से कम 100 में सबकी दुनिया हिलाता है, ये असलियत में सबकी दुनिया हिलाता है। ये लोगों के बारे में वो चीजें बता देगा जिनके बारे में उन्हें भी नहीं पता होता। इसकी वीडियो देखने के बाद लोग दो तीन दिन तक खुद को ध्यान से देखते हैं कि यार के ऐसा इंसान है जो तुम अपनी जिंदगी में चाहे कितना भी अच्छा कर रहे हो लेकिन तुम्हें एक बार सोच रहे हो मजबूर कर ही देगा, तुम सही कर रहे हो या गलत। एलविस यादव, तू सच कहना कि मैं सच कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं, तू है ना 2 रुपीज पीपल, तू है ना एक नंबर का लुक्खा अनपढ़ गंवार, है ना, याद रखना मेरी बात बेटा। भोसड़ी के ताऊ क्या कर रहा है, तू तो सिर्फ बॉलीवुड को रोस्ट करता था, अब यूट्यूब पे भी आ गया, लेकिन ताऊ तू गलत जगह आ गया, यहाँ गलती से भी तू किसी की नजर में आ गया, तेरी गांड मार लेंगे, फिर बना लेना रोस्ट वीडियो। वो तुझे 2 रुपए का आदमी लग रहा है, 25 लाख की ट्रॉफी जीत के आया लौंडा बिग बॉस से धोखे से, और उसे गाली देना नहीं कॉमेडी करना कहते हैं, गाली का मतलब भी पता है, मैं पूछ भी किससे रहा हूं, जो गालियों का खुद ही देवता है। हुआ ये कि फिल्म हो गई है जबरदस्त सुपर फ्लॉप। फिल्म ने मुश्किल से शायद 20 या 25 करोड़ का ही बिजनेस किया है, तो यानी जी के तकरीबन 100-125 करोड़ पे पानी फिर गया है। भोसड़ी के वीडियो बनाने बैठते हो तो जानकारी तो पूरी इकट्ठी कर लिया करो, आधी अधूरी जानकारी लेके वीडियो बना देते हैं, बाद में जब गालियां मिलती हैं तो बोलते हैं मैं कोई प्यार नहीं देता। राधे पिक्चर ने 12 दिन में 300 करोड़ की कमाई की है और ये 20-25 में निपटा रहा है। अब बताओ सलमान खान है, वो अपनी पिक्चर की एडवांस टिकट खुद खरीदता है ताकि पिक्चर फ्लॉप ना हो, और दूसरे बदनाम करने पे तुला हुआ है। सलमान खान की जिंदगी का एक ही नियम है, सलमान खान रोड पे आ जाए लेकिन इज्जत ना जाए। बेटा ये जो बॉलीवुड है ना, ये नफरत नहीं फैलाता, ये प्यार करना सिखाता है, और तू नफरत का सौदागर है, तू नफरत फैलाना जानता है। हाँ बुढ़ो, साल भर का भरपाया कर ले, आज तो जितना यूट्यूब के बारे में बोला है, साले बचपन से देख रहा हूँ बॉलीवुड, आज तक सब में एकता देखने को नहीं मिली है, लड़की की नहीं संगठन की बात कर रहा हूँ। बॉलीवुड में प्यार का तो पता नहीं, पर फेमिनिज्म, ट्रोल, मोक ये सब देखने को ज्यादा मिलता है। बॉलीवुड ने इतना प्यार फैलाया है कि इसकी वजह से कितनों को फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी है या जीवन से स्वर्गवास लेना पड़ा है। और मौसमी परिंदे एक जगह रेल है, क्योंकि बॉलीवुड वाले तो तुझे घास डालते नहीं लेकिन तू फिर भी चाटता रहता है, एक्टिंग तो आती नहीं पर खुद को सुपरस्टार कहता रहता है। बहन के लोड़े किस दिन को यूट्यूबर तेरे पीछे पड़ गया तो तुझे यहाँ से भी निकाल देगा, फिर बना लेना टिकटॉक पे वीडियो। जिसके पीछे मैं लग जाता हूँ उसकी मैं लाइफ बना देता हूँ। आपके सामने की बात है, अक्षय कुमार ने पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को कम से कम 10-12 साल बेवकूफ बनाया, 10-12 साल तक यही कहता रहा कि मैं इंडियन हूँ। अबे छक्का है ये लोंडेबाज, क्या है और था संभाल के, किस दिन पुलिस वाले पीछे पड़ गए तो भागना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस वाले 11-12 महीने का टाइम नहीं लगाते, और मुझे यही समझ नहीं आता है जिसके ऊपर भी वीडियो बनाता है उसमें पर्सनल दुश्मनी क्यों निकालता है, कंटेंट है कंटेंट की तरह बनाओ। पर नहीं, मैं तो बॉलीवुड वालों की तरह करना है, हर चीज फिल्म में करेंगे सिवाय एक्टिंग के, इनसे कोई भी काम करा लो, रोमांस करा लो, बकचोदिया करा लो, सब ठीक करेंगे, पर जब एक्टिंग की बारी आती है तब गाल मारा लेते हैं। दुनिया भर में ऐसी करोड़ों औरतें हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से इतना पैसा कमाया हुआ है कि वो एक चेक में तुझे और तेरा घर बार जमीन सब कुछ खरीद सकती है, यकीन कर ले भाई ये बात का। अबे वो गोबर जी थूत के उसे खरीदने के लिए चेक देना पड़ेगा लेकिन तू तो चिल्लर में बिक जाएगा, खुद की इज्जत के झांड बराबर नहीं लेकिन दूसरों को ज्ञान चोदेंगे। इसकी वीडियो देखने से अच्छा पुनीत सुपरस्टार की वीडियो देख लो, कम से कम एंटरटेनमेंट तो मिलेगा, सूर जैसी थूत तो नहीं बनानी पड़ेगी, सारा मूड खराब कर दिया बहन के लोड़े। आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, जो काला वाला बटन क्या चश्मा फेंक के मारो।
या कैर की जलाट, मैं नहीं जानता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने गांडू दोस्त को शेयर करो। बस आज इतनी गालियों के साथ अलविदा लेना चाहूंगा।